नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? मैं डॉक्टर बेडूदर रौतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड के जो मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, वहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला रिसर्च प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि शोध समस्या क्या है, ठीक है? शोध समस्या किसको कहते हैं भाई? यहां से ऑप्शन जो पूछा जाएगा तो क्या पूछ सकता है, शोध समस्या। तो इसमें इसका क्या ट्रिक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपको दिमाग में रखना है कि शोध समस्या प्रश्न के रूप में होता है, प्रश्न के रूप में, ठीक है? इसका स्वरूप जो है प्रश्न के स्वरूप में होगा, ठीक है? रिसर्च प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हमेशा जो भी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम है ना भाई, ये समस्या है, तो समस्या तो हमेशा प्रश्न के रूप में होता है, ये समस्या है, ठीक है? प्रश्न के रूप में होगा ना प्रॉब्लम जो है, सबसे मेन चीजें जो है, जैसे क्या क्या 2024 में 24 में बीजेपी की सरकार सरकार बनेगी, ठीक है? बनेगी, ये प्रश्न है। तो क्या शब्द जो आ रहा है, क्यों शब्द जो आ रहा है, क्यों कैसे, ये जो शब्द आ रहा है यही तो रिसर्च है भाई, ठीक है? तो ये इस रूप में होता है या हाँ या ना में होता है, ठीक है? 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं, ये जो प्रश्न के रूप में आता है इसको हम लोग शोध समस्या कहते हैं, ठीक है? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, या इसको मैं एक लाइन में लिख दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? शोध समस्या एक लाइन में मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग इसको उतार लो, जिसका उत्तर शोध समस्या प्रश्न के रूप में, प्रश्न के रूप में होता है, ठीक है? जिसका उत्तर दिया जाता है, जिसका उत्तर प्राप्त किया जाता है, जिसका उत्तर प्राप्त किया जाता है, यह है एक्चुअली इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है? ये आपको शोध समस्या को इस रूप में समझ सकते हो। अब दूसरा पॉइंट जो क्वेश्चन आता है, शोध परिकल्पना का आता है। कहाँ गया भाई डेस्टर, ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आपको मैं ट्रिक बता दिया, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमेशा प्रश्न के रूप में होती है। अब आते हैं शोध परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस यानी कि शोध परिकल्पना, शोध परिकल्पना, ठीक है? वो जो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक परिकल्पना कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, एक कल्पना है, कल्पना है और कुछ नहीं है इसका। जैसे शोध समस्या होता है ना, शोध समस्या से शोध परिकल्पना बनाया जाता है। शोध समस्या क्या था कि क्या क्या 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो जब यहां पर ध्यान दीजिएगा,
तो या तो हां में आंसर आएगा, या तो हां में आंसर आएगा, या तो ना में आंसर आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो आपको परिकल्पना जो है या तो हां के लिए करोगे या तो ना के लिए करोगे, एक कल्पना करना है। तो यहां पर शोध परिकल्पना बन जाएगा, शोध परिकल्पना बन जाएगा। आपकी रिसर्च करने के पहले आप एक दिमाग में बैठ कर चला रहे हो, एक स्टेटमेंट कर रहे हो कि भारत में 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी। देख लीजिए आप लोग, ये हाइपोथेसिस है, बनेगी, ठीक है। ये परिकल्पना नंबर एक हो गया। या फिर ऐसा एक परिकल्पना बनेगा, भारत में 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। ये दो चीजें होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये दो ही परिकल्पना तो बनेगा रे भाई, ठीक है। क्योंकि आपकी शोध समस्या है कि क्या 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो या तो हां का आंसर आएगा या तो ना का आंसर आएगा। तो इसी हिसाब से आप अभी से कल्पना कर रहे हो कि लोग किसमें ज्यादा सोच रहा है, यानी कि आप इसलिए भी ऐसा करते हो क्योंकि आप जानते हो हाइपोथेसिस जो होती है वो निगमनात्मक कोटि की होती है, निगमनात्मक होती है, ठीक है। ये निगमनात्मक उपागम में चलता है, ठीक है, निगमनात्मक उपागम का होता है। यानी कि पहला जनरलाइजेशन करते हो, जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण करते हो, ठीक है, सामान्यीकरण करते हो, और दूसरा उसको स्पेसिफिक में लाते हो, स्पेसिफिक। शायद आपको यह भी समझ में आ रहा है, जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण करते हैं, सामान्यीकरण, ठीक है, और इसको जो है आप विशिष्ट की ओर ले जाते हैं, यानी कि उदाहरण की ओर ले जाते हैं, सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब ये निगमनात्मक उपागम का सहारा होता है तो निगमनात्मक के पहले आगमनात्मक होता है, यानी कि 10-20 उदाहरण स्पेसिफिक को आप देखते हो, एक माहौल देखते हो, उस माहौल के हिसाब से आप एक परिकल्पना का निर्माण करते हो कि हाँ भारत में 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी, या फिर आप कहते हो भारत में 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। यही होता है परिकल्पना, इसके अलावा आपको दिमाग से भूल जाना है। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज ऐसा कर सकते हो कि हमें प्रश्न का अंतिम उत्तर चाहिए, प्रश्न का अंतिम उत्तर चाहिए होता है परिकल्पना, अंतिम उत्तर, ठीक है। यानी कि शोध समस्या क्या था, शोध समस्या ये था कि प्रश्न का उत्तर चाहिए, एक प्रश्न बनाते हैं जिसका हमें उत्तर चाहिए, ये था। लेकिन यहां पर कह रहे हैं परिकल्पना जो होती है प्रश्न का अंतिम उत्तर प्राप्त करने के लिए जो हमारे दिमाग में, ठीक है, एक दिमाग में कल्पना चलता है, एक स्टेटमेंट चलता है कि या तो वो हां होगा या तो वो ना होगा, तो आप शोधकर्ता को या तो हां कहो या तो ना कहो, दो ही चीजें होगी, इसके अलावा तीसरे चीजें नहीं होगी। इसको हम लोग जो है शोध परिकल्पना, कल्पना करना, और शोध परिकल्पना जो होती है ध्यान दीजिएगा शोध समस्या के पर आधारित होती है। यदि आपका शोध समस्या अलग है और शोध परिकल्पना अलग है तो मान के चलिएगा आप कुछ न कुछ मिसिंग कर रहे हैं रिसर्च में। जो शोध समस्या लेंगे उसी के आधार पर शोध परिकल्पना का निर्माण करेंगे, ठीक है। शोध समस्या प्रश्न के रूप में लेंगे और शोध परिकल्पना को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लेंगे, बस यही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अब दूसरा चीजें जो है रिसर्च सैंपलिंग, ठीक है, देखिएगा चारों का अपने आप में संबंध है। रिसर्च सैंपलिंग क्या है,
यानी कि शोध प्रतिदृश्य प्रतिदर्श प्रतिदर्श ये क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ये शोध परिकल्पना पर आधारित होती है। जो शोध परिकल्पना है इसी शोध परिकल्पना को आधार मानकर, क्योंकि हमें अंतिम उत्तर चाहिए कि को आधार मानकर मानकर एक मेथड है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत आप डेटा प्राप्त करना चाहते हो, डेटा एकत्रित करेंगे, ठीक है, एकत्रित करेंगे। तो सबसे जो बेस्ट माना जाता है, याद रखिएगा, सबसे बेस्ट जो माना जाता है, ठीक है, उसमें आपका जो है रैंडम सैंपलिंग करते हैं हम, ये सबसे बेस्ट माना जाता है रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग किया जाता है। और इसमें भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहां पर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे, ये रैंडम भी होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है हम ज्यादातर उपयोग करते हैं। अब ये रैंडम क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, हमें नहीं पता कि पहले से कि क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है और उतने में ही आएगा, ठीक है, उतने में ही आएगा, ठीक है, ये आएगा ही। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, बॉक्स में यहां पर चीट रखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 चीट है और 10 चीट में ऐसा क्रम बना हुआ है, पहला नाम ए नाम है, दूसरा नाम बी है, तीसरा नाम सी है, चौथा डी है, पांचवा ई है, इस तरह के 10 नाम दिए हुए हैं, 10 नाम। तो यहां पर देखिएगा कोई भी व्यक्ति इस बॉक्स से, ठीक है, मान लीजिए 5 नाम निकालना चाहता है, 5 का सैंपलिंग करेगा, 5 व्यक्ति का, 5 व्यक्तियों का, ठीक है, यहां पर जो है नाम प्राप्त करना चाहता है, नाम प्राप्त करना चाहेगा, ठीक है। तो प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब होता है ये समग्र है, प्रतिदर्श का मतलब होता है समग्र, समग्र मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब पूरा संपूर्ण, ठीक है, इसमें से एक छोटी इकाई निकाला जाता है, एक छोटी इकाई, ठीक है, छोटी इकाई, एक समग्र इकाई होता है, ठीक है, उसका छोटी इकाई, ये समग्र इकाई 10 है, 10 और छोटी इकाई जो है 5 है, यहां पर जो 5 चीट अपने को निकालना है। तो एक तो रैंडम होना चाहिए, रैंडम का मतलब कुछ भी आ सकता है, यानी कि जो आपने 5 चीट निकालेंगे उसमें से 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपको नहीं पता कि क्या आएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है इस 10 नाम में से ही आएगा, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ठीक है, संभाव्यता, प्रायिकता जिसको कहते हैं, ये 10 नाम से भी आएगा, 0 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इस 10 में से ही आएगा और रैंडम हमें नहीं पता कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर 5 चीट निकालेंगे, हो सकता है कि पहला चीट जो है वो 4 नंबर का निकलेगा, दूसरा चीट जो है 10 नंबर का निकलेगा, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन निकलेगा। यहां पर तीसरा चीट जो है हो सकता है 1 नंबर का निकलेगा, चौथा चीट जो है 6 नंबर का निकलेगा, ठीक है, और पांचवा जो है हो सकता है 8 नंबर का निकलेगा, ठीक है, लेकिन इन 10 में से ही निकलेगा, 10 में से बाहर का चीज नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग जो है रिसर्च सैंपलिंग करते हैं, शोध प्रतिदर्श करते हैं, जो हम जो अंतिम उत्तर चाहिए, लेकिन हम कितने मात्रा में लें,
जैसे मान लीजिए पूरे भारत की जनसंख्या है, समग्र जनसंख्या 140 करोड़ है, ठीक है। आप 140 करोड़ के बारे में एक स्टेटमेंट लेना चाहते हैं कि भारत एक बेहतर देश है, ठीक है, भारत में जातिवाद या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, या आपने स्टेटमेंट लिया है जातिवाद जाति के आधार पर धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे मान लीजिए आपने स्टेटमेंट लिया, ठीक है, आपने स्टेटमेंट लिया तो 140 करोड़ की जनता को कम से कम यदि सैंपलिंग करना होगा तो 5% कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है, 5%, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कितना सैंपल लें ताकि पूरे समग्र यूनिवर्स जो जनसंख्या है और जो छोटी इकाई लिए हैं उतनी छोटी इकाई का इतनी मात्रा लेना चाहिए हमें ताकि हम हमारी स्टेटमेंट जो है हमारी जो हाइपोथेसिस है वो अंतिम उत्तर प्राप्त हो जाए और उसका समाधान निकल जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं शोध प्रतिदर्श, ठीक है। अब उसके बाद में एक चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, जहां से आपको कोई पीएचडी कर रहा है या रिसर्च प्रोजेक्ट है और आपको रिसर्च समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये चौथा पॉइंट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसर्च टूल्स, रिसर्च टूल्स के बारे में, यानी कि शोध उपकरण, शोध उपकरण के बारे में आपको पढ़ना है। शोध उपकरण होता क्या है, ठीक है, यानी कि वो प्रविधियां, ठीक है, प्रविधियां जिसके माध्यम से आंकड़े इकट्ठा करेंगे, जिसके माध्यम से हमें डेटा प्राप्त करना है, डेटा प्राप्त किया जाना है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा किया जाना है, जैसे आपने प्रविधियां कौन सी तरीका है, किस तरीके से आप डेटा को एकत्रित करना चाहते हैं, तो जैसे प्रश्नावली के माध्यम से आप प्रश्नावली प्राप्त करना चाहते हैं, प्रश्नावली से, ठीक है, आप प्रश्नों का उत्तर चाहिए, या अनुसूची के माध्यम से, ठीक है, क्वेश्चनेयर या शेड्यूल के माध्यम से, या अवलोकन के माध्यम से, अवलोकन पद्धति, ठीक है, अवलोकन या साक्षात्कार के माध्यम से, ये हमारी टूल्स है, ठीक है, जिसको आप जो है, ठीक है, जिसके माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाता है। ये चार तरीका हर एग्जामिनेशन में या पीएचडी जो हम करते हैं या रिसर्च में जो काम करते हैं, इस चार तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पूरा विश्वास है ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।